तो जियो फोन में व्हाट्सएप तो पता नहीं कब का आ गया था, लेकिन कुछ फोन में नहीं चलता था और आप लोग परेशान थे, रोज कमेंट्स आते थे कि भाई जियो फोन में व्हाट्सएप नहीं चल रहा, जियो फोन में व्हाट्सएप नहीं चल रहा, अपडेट नहीं मिल रहा। तो फाइनली प्रॉब्लम जो है वो सारी सॉल्व हो चुके हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने सभी जियो फोन में व्हाट्सएप चला पाएंगे, चाहे वो F30C हो, F91 हो, F2401 या फिर कोई सा भी ऐप हो, भाई आपके सभी जियो फोन में व्हाट्सएप चलने लग जाएगा। तो आप भी किसी भी जियो फोन में अपने व्हाट्सएप चलाना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड तक देखते रहिए। अगर आप घूमते फिरते पहली बार हमारे चैनल पर आ गए हैं तो आपको बता दूं, मेरा नाम कुलभूषण है और आप देख रहे हैं केकेवर। और भाई क्या कर रहे हो आप, जियो फोन ले रखा है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा? जाके देखो भाई, जियो की ही वीडियो भरी पड़ी है, जियो फोन की वीडियो भरी पड़ी है। तो अगर आपको और भी जियो की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मेन बात करते हैं जियो फोन में व्हाट्सएप की। तो जियो फोन में व्हाट्सएप तो बहुत पहले का आ गया था, लेकिन कुछ फोन में नहीं चल रहा था। कुछ ऐसी बात हो गई थी कि भाई हमें कार्ड तो दे दी, लेकिन उसमें बार बार कहता कि अपने पहिए में हवा भरो, अपने पहिए में हवा भरो, लेकिन हमारे पास पहिया ही नहीं दिया तो हम उसमें हवा कहां से भरेंगे। ऐसा ही कुछ जियो फोन में हो रहा था। जियो फोन में व्हाट्सएप तो हमें दे दिया, लेकिन उसको चलाने के लिए कह रहा है सिस्टम तो अपडेट करो, सिस्टम तो अपडेट करो, लेकिन हमें सिस्टम अपडेट दिया ही नहीं। तो फाइनली प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो आपको बता दूं, आपके फोन में बिना सिस्टम अपडेट करे भी जियो फोन में व्हाट्सएप चल जाएगा। अब जो है कुछ फोन्स में अपने आप ही धीरे धीरे उसमें फर्मवेयर जो है वो अपग्रेड करे जा रहे हैं। तो डायरेक्टली आपको सॉफ्टवेयर अपडेट तो नहीं मिला है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, लेकिन iOS 2.0 पर ही अपडेट हो रहा है, iOS 2.5 पर अपडेट नहीं हो रहा है। तो ऑटोमेटिकली आप अपने अलर्ट्स में जाइए, उसमें चेक करिए, उसमें आपको दिखा देगा फर्मवेयर अपग्रेडेड सक्सेसफुली, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैंने भी फ़ोन उठाया तो ऑटोमेटिकली मुझे मिल गया था, और फिर मैंने व्हाट्सएप चेक करा तो मेरा व्हाट्सएप चलने लगा था। और iOS 2.0 ही आपका रहेगा, iOS 2.5 अभी अपडेट नहीं होगा। तो iOS 2.5 का अपडेट जब भी आएगा वो आप अपने सिस्टम अपडेट से जाकर चेक करके उसको अपडेट कर सकते हैं। तो अभी मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ आपका, तो सीधा मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको अपने सेटिंग्स में दिखाकर मोर इन्फॉर्मेशन में दिखा दूँ। iOS जो मेरा वर्जन है वो iOS 2.0 और मॉडल नंबर F30C है। तो मैं अभी इसमें आपको WhatsApp चलाकर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अलर्ट्स में मुझे नोटिफिकेशन आ गया था कि आपके सक्सेसफुली फर्मवेयर अपडेट हो चुके हैं, और उसके बाद से हमारा WhatsApp वर्क करना शुरू हो चुका है। और आपको एक चेंज और बता दूँ, जो हमारे मैप्स की एप्लीकेशन है उसमें अब आपको वॉइस सर्च का भी ऑप्शन मिलने लगा है। तो iOS 2.0 में आपको इस फर्मवेयर के बाद वॉइस सर्च का भी ऑप्शन मिलता है। अब मैं दिखाता हूँ WhatsApp खोलकर। तो WhatsApp अब हमने खोल लिया और हमें कोई भी एरर नहीं दिखा है। तो मैं यहाँ पर आपको अकाउंट भी बनाकर दिखा देता हूँ और थोड़ा सा यूज़ करके दिखा देता हूँ। तो मैंने अकाउंट बना लिया और यहाँ पर मैं अपना नाम डाल देता हूँ, और सक्सेसफुली मैंने इसका अकाउंट भी बना लिया है। तो अकाउंट हमारा बन चुका है और मैं अब आपको एक मैसेज सेंड करके दिखाता हूँ। तो मैं अब गया न्यू चैट्स में। तो न्यू चैट्स में मैंने अपना ही कॉन्टैक्ट नंबर सेलेक्ट कर लिया, दूसरा वाला, और इसमें मैं कुछ भी मैसेज सेंड कर देता हूँ। तो ये सक्सेसफुली मैसेज हमारा सेंड हो चुका है। तो इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। अगर आपको और डिटेल में WhatsApp के फीचर्स देखना है, कैसे कैसे फीचर्स हैं, तो मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। मैं आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वीडियो के एंड स्क्रीन में भी दे दूंगा। तो जैसे कि आपने देख लिया किस तरह से आप किसी भी जियो फोन में व्हाट्सएप यूज़ कर पाएंगे इजीली, बिना सॉफ्टवेयर को अपडेट करे, और कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो जाओ यार, यूज़ करो और अपने उसी जियो फोन में के वर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दो। कोई प्रॉब्लम या फिर सजेशन हो तो नीचे कमेंट कर दो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ।